नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्णा सैनिक आप तमाम बंधुओं को फेसबुक लाइव के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, उपस्थित हुआ हूं। आपके जिसके चर्चा मात्र से ही आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा, आप में ऊर्जा के संचार महसूस होगी, आपको बिहारी होने पर गर्व महसूस होगा और आप अपने आप को धन्य मानेंगे कि आप जिस बिहार की धरती से संबंध रखते हैं वहां कितने बड़े बड़े विभूतियों ने जन्म लिया और देश ही नहीं विदेशों में अपना मान सम्मान और गौरव स्थापित किया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बिहारी सौ पे भारी, जो ये प्रचलन में काफी मशहूर है, लेकिन मैं यदि ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक बिहारी करोड़ पर भारी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसका उदाहरण देकर के आगे मैं आप लोग के समक्ष उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, पेश करूंगा प्रमाण के साथ। साथियों, आइए सबसे पहले देश विदेश दुनिया के कुछ प्रमुख घटनाक्रम पर नजर डालते हैं, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश अपने राज्य ही नहीं विदेश के भी घटनाक्रम को ध्यान में रखें और उस पे जो समाधान निकले या निकलने वाला है उसका जो परिणाम है या दुष्परिणाम है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और इसी कड़ी में सबसे पहला जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, दूसरा है ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, तीसरा है अग्निवीर की भर्ती की योजना, चौथा है कन्हैया लाल हत्याकांड और पांचवा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, और सबसे अहम है जो मुद्दा है वो है डॉलर अस्सी के पार। ये प्रमुख बिंदु है, इस पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद है कि एक बिहारी सौ पे भारी कैसे है और वो बिहारी अभी वर्तमान में कौन है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे विभूति जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो पैदा हुए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, महेंद्र मिश्री, इनके साथ ही अनेकानों के उदाहरण मिलेंगे, लेकिन आगे मैं चर्चा करूंगा। पहले बताना चाहता हूं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध काफी लंबा खींच गया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, इसीलिए कभी भी मैं खुद यूक्रेन को 3 दिन की समाप्ति या 5 दिन माना था, लेकिन आज 110-115 दिन से ज्यादा हो गए और युद्ध अभी भी जारी है। लेकिन अच्छा, इसे सबक मिलता है कि कभी भी अपने दुश्मन को छोटा नहीं आंकना चाहिए, दुश्मन दुश्मन होता है, अब चाहे वो किसी से सहारा लेकर के लड़े या कैसे भी लड़े, वो आपसे लड़ रहा है, आपको जवाब दे रहा है, मतलब दुश्मन दुश्मन होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि आप किसी को परेशान करेंगे तो आपको भी परेशानी उठाना पड़ेगा। ये युद्ध रशिया और यूक्रेन युद्ध से हम सीख सकते हैं। ब्रिटेन का भावी जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ऋषि सुनक,
अब हमें कहेंगे कि 250 साल से ऊपर जो ब्रिटिश लोग भारत पे शासन किए और आज भारतवंशी उस देश पे शासन करने के लगभग अंतिम पड़ाव में है। जो प्रक्रिया वहां प्राइम मिनिस्टर चुनने की होती है उसका 2 सीढ़ी पार कर चुके हैं, 2 सीढ़ी और बचा हुआ है और दोनों ही सीढ़ी में वो सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। इसलिए एक भारतवंशी का ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने में अब 2 पायदान बाकी है और उस पायदान को पार करते ही एक भारतवंशी इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएगा कि जिस ब्रिटिश ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया आज भारतवंशी के घुटनों पे है, मतलब वहां का सत्ता उसके कदमों में है। और ऋषि सुनक क्यों, इससे पहले फिजी का राष्ट्रपति महेंद्र चौधरी, मलेशिया का वासुदेव पांडे जो बिहार से बिलोंग करते थे और मलेशिया इत्यादि देश का प्रमुख पद राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो करके अपने देश की राजनीति की धौस जमा चुके हैं, काबिलियत दिखा चुके हैं। यदि क्यों अभी ब्रिटेन में गृह मंत्री जो थे, अभी जो अमेरिका यूएसए का उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस वो भी गुजरात से बिलोंग करती है, मतलब देश और विदेश में भारतीय राजनीति का डर का बज रहा है और ये सबसे खुशी की बात है। और एक और खुशी की बात है वो मैं बताना भूल गया, जो मुझे शुरुआत में ही बताना चाहिए, टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु जी सिंगापुर में चाइनीज खिलाड़ी को हरा करके खिताब जीत चुकी है। और मैं सीताराम प्रसाद पूर्ण सैनिक पूरे भारतवर्ष के साथियों के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ और भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, अग्निवीर योजना बहुत सारा बवाल हुआ लेकिन अब सरकार के जिद बोले या राष्ट्र के हित बोले जो भी है, अभी सफलतापूर्वक आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों में पर्याप्त संख्या बल के साथ ये योजना में भर्ती के लिए आवेदन आ चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम के बारे में पता चलेगा लेकिन फिलहाल अग्निवीर योजना अपने नियत समय से और सेना का जो प्लान है योजना है उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। साथियों, हाल ही में जो प्रोफेट पैगंबर के ऊपर जो छटा कसी हुआ था, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें नुपुर शर्मा दोषी है नहीं है, उनको भड़काने वाला मौलवी दोषी है नहीं है, लेकिन जब ये देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ हर लोग को अपनी बात रखने का अपना धर्म मानने का स्वतंत्रता है, तो फिर दूसरे के धर्म पर छींटाकशी नहीं करना चाहिए, दूसरे को प्रभोग नहीं करना चाहिए। और उससे भी शर्मनाक है कि जब बहस हत्या में तब्दील होने लगे, खून खराबा में तब्दील होने लगे तो उसको आतंकवादी गतिविधि मान करके दोषी व्यक्ति को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा देना चाहिए, अन्यथा देश में एक तरह का विद्रोह और खराब माहौल बनेगा जिससे हमारे देश को ही आर्थिक नुकसान पहुंचे। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति चुनाव का। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जी जान से, चाहे वो पंचायत चुनाव, पंचायत स्तरीय चुनाव क्यों ना हो, जिला परिषद स्तरीय चुनाव क्यों ना हो या आम
संसदीय चुनाव क्यों ना हो, पूरे जी जान से लगती है, एकजुट होकर लगती है। वही एक बार लग रहा था कि विपक्ष भारी पड़ जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में, और लेकिन बीजेपी ने ऐसी चाल चली, एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करके सभी चालों को उन्होंने धराशायी कर दिया, और अब लगभग राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय लग रहा है। वहीं जसवंत सिन्हा मायूसी से खामोश तो नहीं है लेकिन मायूस हो चुके हैं। दूसरी तरफ बड़ी चर्चा में थी मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा से सदस्यता समाप्त होने के बाद और मंत्री पद छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन कल ही जो घोषणा हुआ है उसमें बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किया गया है। और राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव का जो प्रक्रिया होता है वो थोड़ा अलग है। राष्ट्रपति चुनाव में सारे देश के विधानसभाओं के सदस्य वोट करते हैं, सांसद और राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के चुने हुए सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही वोटिंग करते हैं। और मिला जुला करके एनडीए यानी बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव में तो कहीं किसी से हेल्प लिए बिना भी चुनाव जीत सकती है। ये तो रहा देश विदेश के हालचाल, लेकिन कल बाजार परसों फ्राइडे को बाजार बंद होने से पहले डॉलर रुपया को बुरी तरह पछाड़ते हुए 80 के पार कर गए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये हमारे जो सियासतदान है, प्रधानमंत्री जी हैं या उनके जो सलाहकार हैं, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी और जो भी है सरकार के अंग, जो कभी बोला करते थे कि डॉलर गिरने का मतलब होता है कि सरकार गिर रही है, सरकार का सोच गिर रही है, सरकार का अस्तर गिर रही है, तो अब जब डॉलर 60 से 80 20 रुपए का जो गिरावट है, यहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि डॉलर के मुकाबले रुपया अभी तो 80 के पार हुआ है, 2014 से अभी तुलना करेंगे तो 20 रुपया का गिरावट आई है, कहीं और 20 रुपया की गिरावट और 100 के पार ना हो। तो ये प्रमुख थी बातें इस पर हम चर्चा कर रहे थे। मेरा मुख्य चर्चा है, धन्यवाद साथियों, अब मैं असली मुद्दे पे आता हूँ जिसको चर्चा करने के लिए मैं फेसबुक लाइव हुआ हूँ। एक महीने में शायद 16 जून को लास्ट में किया था फेसबुक लाइव, उसके बाद कुछ घरेलू और कुछ अस्त व्यस्तता के कारण मैं फेसबुक लाइव नहीं हुआ था, लेकिन अभी एक ऐसा विषय आया, वही बताया ना कि एक बिहारी 100 पे भारी नहीं, एक बिहारी करोड़ पे भारी, और ये सब्जेक्ट आते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और 2 दिन पहले ही मैं सोचा कि एक सब्जेक्ट को लेकर के, इस मतलब सोच को लेकर के हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है, बिहारियों को जागरूक करना है, चंपारण वासियों को जागरूक करना है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच आ जाया। साथियों, एक बिहारी 100 पे भारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तब जो आम लोकसभा चुनाव था उसका राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो बेगूसराय जिला से ताल्लुक रखते हैं,
बिहार से ताल्लुक रखते हैं, पूरे रणनीति बीजेपी का है या यू कहे तो एनडीए का। उन्होंने 2014 का लोकसभा का चुनाव का रणनीति बनाया और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मुझे बीजेपी या कांग्रेस या जेडीयू या आरजेडी या अन्य पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है प्रशांत किशोर जी से, जो उनकी उपलब्धि थी कि उन्होंने ऐसी रणनीति गढ़ी कि मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार जिसको उन्होंने जिसके लिए उन्होंने रणनीति बनाई वो सरकार 2014 में स्थापित हुई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय बने और दूसरा चुनाव में भी बने। उसके बाद 2015 में जब बीजेपी से जेडीयू की खटपट हो गई और तो बीजेपी अन्य दलों से मिलकर चुनाव लड़ी और जेडीयू और लालू जी मिलकर के नहीं माननी आरजेडी राजद मिलकर चुनाव लड़े और उसका भी रणनीति आदरणीय प्रशांत किशोर जी बनाए जो आईपैक के संस्थापक है, उन्होंने ही बनाया और अपार सफलता हासिल हुई। जेडीयू और आरजेडी गठबंधन जीत करके आई। इसके बाद 2016 में जब पूरा देश की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी थी, जहां आम आदमी पार्टी के तरफ से रणनीति बना रहे थे प्रशांत किशोर जी और उनके समक्ष केंद्र की सरकार, ऐसा बोला नहीं चाहिए लेकिन परोक्ष रूप से जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उसका बाहुबल काम करता है और इस अच्छाई को हम छुटला नहीं सकते हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, 60 से ऊपर सांसद और 30 से ऊपर मंत्री पूरी नजर टिकी हुई थी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, लेकिन जो रणनीति बनाए प्रशांत किशोर जी उसके सामने मतलब विपक्ष में बैठने के लायक नहीं छोड़ी। केवल बीजेपी को वहां पे 3 सीट मिली, केवल 3 सीट पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी मतलब बढ़त हुई। मुझे किसी पार्टी के हारने और जीतने से मतलब नहीं है, मैं प्रशांत किशोर जी के जो रणनीति राजनीतिक सूझबूझ उसके ऊपर मुझे प्रकाश डालना है, इसलिए इन चुनावों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पंजाब चुनाव 2017 में अमरिंदर सिंह की सरकार जो एंटी कैम्पेसी फैक्ट के चलते और नशे के व्यापार के लिए काफी विख्यात हुई थी, विख्यात क्या होती पूरी बदनाम हो गई थी और लगभग हार के दहलीज पर खड़ी थी कांग्रेस पार्टी। अंत में उनको नजर आया प्रशांत किशोर और उन्होंने रणनीति बनाने के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी की आईपैक संस्था को हायर किया और प्रशांत किशोर जी पूरे पंजाब में एक एक सीट पर घूम घूम करके रणनीति तैयार किया और अंततोगत्वा एंटी कैम्पेसी फैक्टर नशे के कारोबार में बदनामी के बावजूद भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री। साथ ही आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का सफलता यहां ही नहीं रुका, उनकी सफलता परचम गाड़ते चली गई। तमिलनाडु में अनाद्रमुक के लिए उन्होंने अपना रणनीति बनाए, वहां जीत हासिल हुई। आंध्र प्रदेश में विकास पुरुष माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू आईटी क्षेत्र के
ने अहम योगदान देने वाले, क्रांति लाने वाले चंद्रबाबू नायडू, उनकी तेलुगु देशम पार्टी को जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के तरफ से रणनीति बनाने का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई और जगन मोहन रेड्डी पूर्ण बहुमत से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साथियों, एक चुनाव जीत जाना, दो चुनाव जीत जाना, तीन चुनाव जीत जाना संजोग हो सकता है, चार चार पांच पांच छह छह चुनाव जीतवा देना ये आम बात नहीं है। ये पॉलिटिकल सोच, समझदारी और बुद्धिमत्ता की बात है। हालांकि एक कड़ी छूट गया था, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी जो बुरी तरह फ्लॉप हुई और केवल 17 विधायक कांग्रेस को पूरे चार सौ दो में केवल 17 सीट निकाल पाने में कामयाब हुए। अब क्यों नहीं हुए, क्या हुए, इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सफलता के साथ साथ असफलता भी आपके पीछे रहती है और जब असफलता आपके पीछे नहीं रहेगी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता आपको उत्प्रेरित करता है, आपको एक ऊर्जा देती है, आपको जीतने का, चलने का, जगने का, काम करने का एक प्रेशर देती है, धक्का देती है, पुश देती है। इसीलिए कभी भी आपके जीवन में असफलता आए उसे घबराना नहीं चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, अमल कर में लाना चाहिए कि यह सफलता क्यों आई है, उसका कारक क्या है, उसका तत्व क्या है, उसका तत्व क्या है और उस पर विचार करके उस कमी को दूर करके आगे बढ़ने के प्रेरणा लेना चाहिए। और जो हार से असफलता से प्रेरणा लेता है वही विजयी होता है और वही जीवन में आगे बढ़ता है। साथियों, इतना सब बताने का मेरा एक ही मकसद है कि अभी तक एक दिन मैं बात कर रहा था प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो बहुत सारे साथियों को ऑब्जेक्शन हुआ कि प्रशांत किशोर जी केवल एक चुनाव राष्ट्रवादी पार्टी के लिए किए और बाकी जितने भी चुनाव उन्होंने जीतवाए वो सब मतलब कुछ अलग शब्द का, देशद्रोही टाइप का शब्द का इस्तेमाल किए जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन लोगों के लिए किए। तो भाई मेरा जवाब इतना ही था कि तब आईपैक कंपनी थी, एक ड्रामा पार्टी थी, एक नौटंकी पार्टी थी जिसके लिए जो हायर करते थे उसके लिए परफॉर्म करती थी। मतलब बीजेपी 2014 में हायर की उनके लिए परफॉर्म किया, आम आदमी पार्टी हायर किया उसके लिए परफॉर्म किया, कांग्रेस पंजाब में हायर की उसके लिए परफॉर्म किया, यूपी में कांग्रेस हायर की वहां किया असफल हुए, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में वहां किए। कहने का मतलब कि तब वो एक ड्रामे पार्टी थी, एक संस्था थी, बिजनेस थी, वो बिजनेस में जिसको जहां मौका मिलता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वहां काम करता है और जिन्होंने उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, पैसा दिया, उनके लिए उन्होंने अपने सूझबूझ का परिचय दे करके उसके बदले उनको जीत हासिल कराया। लेकिन अब प्रसिद्धि बदल चुकी है, अब प्रशांत किशोर जी का भावना विचार बदल चुका है। अब वो ये चाहते हैं कि जब मैं पूरे भारत में घूम घूम करके प्रचार दूसरे के लिए किया, हमारा बिहार क्यों पिछड़े, हमारा बिहार क्यों पिछड़े, हमारा देश क्यों पिछड़े। लेकिन वो शुरुआत करना चाहते हैं बिहार से, नई दिशा देना चाहते हैं बिहार से, नई ज्योति जगाना चाहते हैं बिहार से। और बिहार से ही क्यों, चंपारण से, हेलो, चंपारण से करना चाहते हैं। और इस कड़ी में
उन्होंने घोषणा किया है कि 1800 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे और उसका शुरुआत चंपारण से करेंगे, बेतिया से करेंगे। जो 1800 किलोमीटर की जो यात्रा होगी वो पूरे बिहार में होगी और उसके बाद उन्होंने सोचा है कि कुछ नया घोषणा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल की बात है कि छात्र, नौजवान, पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और बुद्धिजीवी, किसान, इन लोगों में जो भी है उनको वो बिहार के 38 जिला में एक एक करके घूम करके प्रचार प्रसार करके उनसे राय मशवरा करके अपना विचारों का आदान प्रदान करके उस सबको एक जगह संग्रहित करना चाहते हैं और आगे की रणनीति कैसा हो इस पर विचार करना चाहते हैं। और इस कड़ी में चंपारण में जुलाई या अगस्त के प्रथम वीक में और मोतिहारी में रखने वाले हैं कार्यक्रम और उस कार्यक्रम को मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला के जो भूतपूर्व सैनिक संघ है उनको संचालित करेगा और जो भी इसके लिए कदम उठाए जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। दो प्रखंड का जिम्मेवारी मैं लिया हूँ, ढाका और घोड़ासहन। दो प्रखंड में जितने भी बुद्धिजीवी लोग होंगे, किसान होंगे, नौजवान होंगे, छात्र नौजवान होंगे या भूतपूर्व सैनिक होंगे, उन सबों तक पहुंचने और उनसे प्रार्थना करने के लिए और मोतिहारी उनके प्रशांत किशोर जी के सभा में बुलाने के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। और इसी के तहत मैं आज ये लाइव फेसबुक लाइव प्रोग्राम आप लोग के सामने रखा कि जब तिथि घोषणा हो जाएगी तब मैं आप लोग के बीच आऊंगा और सूचना आप तक पहुंचाऊंगा और आपको आने का अनुरोध करूंगा ताकि दुनिया को भारत में जगह जगह जा करके अपना राजनीतिक सूझबूझ से लोहा मनवाने वाले कहीं बिहार में सफल हो और बिहारी लोग सफल हो। हमारा जो पिछड़ने का एकमात्र कारण है कि राजनीति में भ्रष्टाचार। यदि ऐसा सोच वाले आदमी आए तो उनका हमें स्वागत करना चाहिए। और इसी के कड़ी में प्रशांत किशोर जी का जो सभा होने वाला है वो जैसे तिथि घोषणा होगी, जैसे घोषणा होगी हम ग्राउंड लेवल पर उतर जाएंगे और उसको सफल बनाने का कोशिश करेंगे। तब रही बात कि आप बोलिए कि बिहार में तो हजारों पार्टियां हैं और इनको मौका देने का क्या मतलब, सब तो आने के बाद वही करता है। ठीक है, एक तरफ तो हमें कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है मतलब हम सबको देख चुके हैं कि आने के बाद सब वही करता है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या पता हो सकता है, मैं ये नहीं 100% गारंटी नहीं लेता हूं कि ऐसा ना होगा, लेकिन यदि मील का पत्थर साबित होते हैं और सफल होने के बाद किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दवाई, पढ़ाई, कमाई, इस पर रोजगार पर ध्यान देते हैं तो बिहार की तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। इसलिए आप सभी से करवट प्रार्थना है कि जब भी तिथि घोषणा होगी मैं ग्राउंड लेवल पर उतरूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मोतिहारी में जिस जगह भी ये सभा होने वाली है, विचार विमर्श होने वाली है, वहां पहुंचने का कष्ट करेंगे।